अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग हैं आज भिवंडी में निज़ाम भाई के साथ में। निज़ाम भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सो निज़ाम भाई से हम लोग आज मिलने आए हैं। ये चलाते हैं SR गोट फीड, ये भिवंडी में अपना काम चलाते हैं और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपको आगे पता चलेगा। सो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। निज़ाम भाई, ये आप कब से चला रहे हो और ये SR गोट फीड नाम क्यों रखा आपने? ये एक्चुअली में हमारे ग्रुप का नाम है, तो अच्छा से हमने इसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, और इसमें काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को। और क्या चीज़ का ग्रुप है? बकरेबाजी का? हाँ, बकरेबाजी का, मतलब जो भी है ये। तो इसमें ये बकरे का फीड भी है, दाना, हरी पत्ती है और मक्का है, जौ है और अपना तुअर का भूस है। अच्छा, मतलब जितना भी बकरे का जो भी है अपने दाना अपने पास। बकरों का हर तरीके का फीड आपके यहाँ मिल जाता है? जी, मिल जाता है। रिटेल में, होलसेल में, हर तरीके से दोनों में मिल जाएगा आपको। और ट्रैवलिंग का कैसा है, आप ऑल ओवर इंडिया भेज पाते हो? हाँ, जहाँ भी आप, जैसे कस्टमर जो भी जहाँ से भी है, उसका ट्रैवलिंग का जो भी रहता है, तो हम लोग उसको वहाँ तक पहुँचा के दे देते हैं। अच्छी बात है। तो ये तो बात रही फीड की, अगर भिवंडी के लोकल ग्राहक हैं आपके एकदम सिटी वाले, तो वहाँ पर आप पहुँचा भी देते हो एक आध गोनी है तो? दो गोली भी रहेगी, तो जैसे गाड़ी जा रही है एक एरिए में, तो उसके बाजू वाले, क्योंकि गाड़ी रोज़ निकलती है। अच्छा, आज ये दुकान वाले किधर है, वो दुकान, तो टेम्पो में डालकर हम लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं। सो ये तो बात रही फीड की, जो बकरों का हर तरीके का खाना आपके यहाँ मिलता है। अगर मैं अभी बात करूँ कि जो बकरे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, हाँ, जो बकरे बॉम्बे से बिकते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर के जो बकरे बॉम्बे आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग उसका भी काम आप कई सालों से कर रहे हो, तो उसका आप कैसा काम करते हो, कहाँ से करते हो, वो बताइए। मेरा कल्याण से चलता है। हाँ, थाना से चलता है ये। अच्छा। दो स्टेशन से बहुत ज़्यादा करीब हैं और साथ में कई लोग जुड़े हैं, कई बच्चे हैं मेरे, मतलब अगर जैसे मैं कल्याण जा रहा हूँ तो वो थाना, और मैं थाना चला गया तो वो कल्याण। अच्छा, तो लोडिंग अनलोडिंग दोनों काम हमारे, दोनों काम करते हैं आप लोग। आप लोग साउथ बॉम्बे से क्यों नहीं काम करते, जैसे बांद्रा हो गया, दूसरे स्टेशन हो गए, VT हो गया? हाँ हाँ, एक्चुअली में हो क्या रहा है मालूम है कि वहाँ जो है ना, वो ट्रेनें बहुत ज़्यादा, मतलब लाल डब्बे लगते हैं। अच्छा, और लोडिंग अनलोडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उधर रश बहुत रहता है, मतलब पब्लिक जो है बॉम्बे में तो आपको मालूम ही होगा बराबर, तो हम लोगों को उधर से बहुत भारी पड़ जाता है, कभी बकरा चढ़ा, मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उठा के लेके जाना पड़ता है। ये कल्याण और थाना जो है खाली रहता है, और अपना अगर मैं नहीं भी पहुंच पाया तो स्टेशन पे कॉल भी कर देता हूं, स्टेशन जो भी है उधर पे, तो हमारा बकरा उतार के बांध भी लेते हैं। अच्छा, और जो बॉम्बे साइड के लोग आते हैं थाना कल्याण चढ़ाने, तो वो भी आपके थ्रू ही काम करवाते हैं? हाँ, जो वहाँ के लोडर अनलोडर है। हाँ, हाँ, वो भी आपके थ्रू ही काम होता है? हमारे थ्रू, क्योंकि मेरा पूरा चार बच्चों का ग्रुप है, हम लोग चार हैं मेरे हाथ के नीचे, तो कहीं मैं चला गया कुछ काम के लिए तो उनको भेज देता हूँ, एक को इधर लगा दिया, कभी उसमें से कोई नहीं है एब्सेंट है तो उसकी जगह फिर मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, काम को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली अगर लोग आपसे डायरेक्ट आ जाएँ तो बीच का बंदे से बच जाएंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, चार्जेस वगैरह भी उनको कम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट जो भी है। और अगर जो बकरा साउथ, सॉरी नॉर्थ ऑफ इंडिया से आता है, हाँ, जैसे भोपाल, राजस्थान या अलग जगहों से, हाँ, वो बकरा पलटी मारना पड़ता है, हाँ, तो वो समझाएं वो कैसे होता है, आप क्या करते हो उसमें, कैसे रहता है भाई? एक्चुअल में जैसे बकरा आया तो बहुत ज़्यादा सफ़र करके आता है, जानवर थोड़ा सुस्त हो जाता है बराबर, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग जगह है, एक तो हमारे बकरों की जगह, उसके अलावा एक जगह और है, मतलब वहाँ बकरों को थोड़ा रेस्ट दिया जाता है 6 घंटे का या 1 दिन का, हम लोग पिलाते पिलाते हैं, अपनी जगह पे रखते हैं, बकरा अगर कुछ नरम है तो उसको दवाई भी देना, फिर जिसका है उस कस्टमर को हम लोग उस दिन जो भी गाड़ी जा रही है फिर उसको उधर पे लोड कर देते हैं। तो मैं लोगों को बता दूँ, बोलने का मतलब है कि अगर जो भी बकरा, समझो एग्जाम्पल दे रहे, जयपुर से आया और वो जाने वाला है कर्नाटक में, मैंगलोर में, तो आप उसको यहाँ उतारेंगे, उसको एक दिन आप खिला पिला के फिर जो ट्रेन जा रही होगी उसमें भेज देंगे, ऐसे काम करता है, राइट? जी, ठीक है। तो इसके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं डिस्टेंस के हिसाब से, राइट? हाँ, वो हिसाब से रहता है। और ये जो 3 नंबर है इसमें आपका नंबर कौन सा, ऊपर वाला? ये मेरा 9764264257, ये नंबर मेरा है। ठीक है, और ये नीचे दो आपके लड़कों के? हाँ, ये नंबर उनके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा लगा। मैं लोगों को बता दूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बकरा लोडिंग अनलोडिंग का, तो आप निज़ाम भाई से कांटेक्ट करें। इसके अलावा गोट फीड में जो भी तरीके का गोट फीड होता है, चाहे वो हरी पत्ती हो, तुअर भूसा हो, मक्का हो, जौ हो, गेहूँ, हर चीज़ आप
निज़ाम भाई से ले सकते हो। और निज़ाम भाई आप बकरे भी बेचते हो राइट? विलायती मेंढो का मैं कुछ वीडियो डाला था पहले, मैंने आपसे डलवाए थे, इससे पहले भी विलायती मेंढो के वीडियो डलवाए थे। क्या क्या करते हो आप? मेरा सब काम है, बकरे का छोड़ के, मतलब बकरों में मेरे फ्रेंड हैं उनसे मिल जाएंगे, विलायती मेरे पास रहते हैं, और अपना फीड का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और कुछ आप नया देखोगे। अपना का काम भी स्टार्ट होने वाला है। किसका? खाउटी का। बकरे खाउटी का? अच्छा, खाउटी का भी चालू कर रहे हो, तो मतलब आप एक ऑलराउंडर हो। कपिल देव के बाद आपके नाम आएगा, है ना? इंग्लिश में कहावत है, उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तुम एक ऐसे जैक हो जो हर ट्रेड करते हो। नहीं इंशाल्लाह, ये चीज़ के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक छोटे से इंटरव्यू में भी मैं नहीं बता सकता। छोटा क्या बताओ ना, लंबी कर देंगे, उसमें क्या है? लंबी तो ये है कि अभी इंशाल्लाह जो दवा बकरों की होती है वो हम लोग खुद भी बना रहे हैं, और इंशाल्लाह जो जैसे बहुत से बस इंजेक्शन गोली तो ये सब चीज़ से हट के कुछ अलग रहेगा। और जो हमारे पास पुराने एक हकीम बोलो आप, डॉक्टर को छोड़ के, जो देखकर बकरे को समझ लेते कि क्या है, ठीक होने जैसा है या नहीं होगा, या होगा तो कितने वक्त में होगा, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब नए नई कुछ पुराने तजुर्बेकार जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे भी बात करेंगे आपसे। काफ़ी अच्छा लगा मिलके निज़ाम भाई से। ये हमारे दूसरे निज़ाम भाई हैं, एक और निज़ाम भाई हैं हमारे, हाँ, जो देवनार में हम उनका वीडियो बनाते हैं। सो ये निज़ाम भाई जूनियर है हमारे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।